कैसे हैं आप सब? अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मेरी मॉर्निंग अभी हो रही है और मैं अभी सो के उठ रही हूँ। मम्मी उठ गई हैं, मम्मी उठा रही थी हम लोगों को। और इधर देखिए, ये ऋषिका मैडम, अभी उठना है, चाय वाय बनाना है, बस बहुत सारा काम है। अभी मैं तुरंत उठी हूँ। और देखिए, ठंड का मौसम है ना, मतलब ठंड में तो ऐसा लगता है कि उठो ही ना, सोते रहो सोते रहो, कोई उठाए ही ना। लेकिन करूँ क्या, काम भी होता है ना। मम्मी मेरी सुबह उठ जाती हैं। ये देखिए, शिखा मैडम सोना बंद नहीं कर रही हैं। शिखा उठो, देख रहे हैं आप, एकदम ठंड में शिखा मगन हो रखी हैं। सुबह हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था और उसके बाद चले गए थे घास काटने, क्योंकि हरी हरी घास मम्मी खेत से लाती हैं तो उसे मशीन में काटना पड़ता है, तो वही मैं काट रही थी और शिखा थोड़ी थोड़ी घास मशीन में लगा रही थी। इस समय मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत घास वास काटूं, जिम वगैरह तो मुझसे होगा नहीं, घास वगैरह काट के और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके मैं अपना वेट थोड़ा मीडियम कर लेती हूँ, थोड़ा लूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। हम लोग नहाने से पहले ही मशीन में घास को काट देते हैं, क्योंकि नहाने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता घास को काटना मशीन से, इसलिए पहले ही काट लेते हैं, उसके बाद हम लोग नहाते हैं। मैं और शिखा, हम दोनों आए थे घास काटने भैंस के लिए। और देखिए, घास हमारी सारी कट चुकी है और बहुत सारी मेहनत लगी है घास को काटने में, और घास कट गई। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, तो चलिए चलते हैं साथ में घर पे। ये देखिए, बोरी में है राशन जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सभी को दिया जाता है। आप सबके यहाँ भी आता होगा, मेरे यहाँ तो आता है, आप लोगों के यहाँ आता है या फिर नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसमें था चावल और गेहूँ, और साथ में दिया हुआ है, इस बार हर बार तो नहीं दिया जाता था, इस बार दिया गया है 1 kg नमक और 1 kg रिफाइंड और 1 kg चना दिया गया है। आप लोगों के यहाँ मिला या फिर नहीं ये सब बताइएगा। हमारे यहाँ के जो इस बार प्रधान हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, हमारे यहाँ के सरपंच जो पहले थे वो भी ठीक थे, लेकिन जो अब हुए हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, वो तो सबकी बहुत हेल्प करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और ये रहा रिफाइंड ऑयल, ये देखिए ऐसे मोदी योगी जी साथ में लगे हुए हैं, और 1 kg का पैकेट है, और साथ में है नमक और चना और नीचे बोरी में है चावल। बस एक ही बात समझ में नहीं आती कि हर बार 1 kg राशन क्यों कट कर लेते हैं, जितने दिनों से राशन मिल रहा है 1 kg कम ही मिलता है। ऑनलाइन से देखिए, पापा कुछ परचेस कर रखे हैं, कुछ बुक कर रखे हैं, और मुझे अभी मालूम नहीं है इसमें क्या है, खोल के देखते हैं क्या है इसमें। और साड़ी कैसी है पूरा ओपन करके हम देखते हैं। ये देखिए, इस तरीके से है साड़ी, और ये पर्पल कलर की है। मैं नाइट में ओपन कर रही हूँ, रात में खोल रही हूँ, इसलिए थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, और मैंने इमरजेंसी भी ऑन कर रखी है। तो आप देख लीजिए, पूरी साड़ी को हम ओपन करके इस तरीके से देखते हैं। ये देखिए बैक साइड है और ये सीधा है, उल्टा सीधा जैसे कि होता है ना, तो ये सीधा है, और ये बहुत ही सुंदर सा आपको यहाँ पे बॉर्डर दिया जाता है, मिल जाएगा, आप परचेस कर सकते हैं, और बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगी। तो साड़ी को हम रख देते हैं साइड में और देखते हैं दूसरे वाले पार्सल को, इसमें क्या है। है तो दोनों ही बहुत ही प्यारा, और पापा कुछ अच्छा ही बुक करते हैं जब भी करते हैं। इसमें बॉक्स बॉक्स है, देख लेते हैं बॉक्स को भी।
अरे वाह, इसमें तो है सूज, ये देखिए। और ये सूज मुझे लगता है कि शिखा का है, क्योंकि शिखा पापा से बोल रही थी लेने के लिए। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये है लॉन्ग सूज, ये बूट है, शिखा अपने लिए मंगवाई है। और ये आपको ब्लैक दिख रहा होगा, बट ये ब्लैक है नहीं, मतलब नाइट की वजह से आपको ये ब्लैक नजर आ रहा होगा। और ये ब्राउन कलर का है, बहुत ही सुंदर है। सीखा गई थी कॉलेज, और कॉलेज से इतना सामान लेके आई है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके जो भी ख़त्म हो जाता है वो लाती रहती है। और सीखा इतना भारी वज़न उठा नहीं पाएगी, इसलिए इकट्ठे सामान नहीं लेकर आती है। थोड़ा थोड़ा जो भी ख़त्म होता रहता है वो हम लोग ऐसे धीरे धीरे करके मंगा लेते हैं। और घर खर्च तो इतना बढ़ गया है कि समझ में नहीं आता कैसे चलाएं, क्या मंगाएं और क्या ना मंगाएं। हर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप सभी को ब्लॉग वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मैं आपसे अगली कोई प्यारी सी ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।